अदलिया जिद्दोजहद कर रही है। पूरा यकीन है कि अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं, अदलिया तहरीक से पहले लोग कहते थे कि जज एक बार घर चला जाए तो वापस नहीं आता। अदलिया की तहरीक की जिद्दोजहद ने मुल्क में माशाल्लाह का रास्ता बंद किया। अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इख्तलाफात, अहम हुकूमती शख्सियत का पीपी को मनाने का मिशन। खुर्शीद शाह और नवीद कमर को टेलीफोन, हुकूमती अरकान आज भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती वफ्द बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद हुकूमती वफ्द से मुलाकात का वक्त तय करेगा। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट पर तैयारी पर एतमाद में ना लेने पर हुकूमत से नाराज़ है। कल वजीर आजम गए थे, आज वजीर दाखिला पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान की आयादत का सिलसिला जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, फजल रहमान से 25 साल का दैरीना ताल्लुक है, उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। शोबा सेहत के उमूर को दिन रात खुद मॉनिटर कर रही हूं। पंजाब भर की बुनियादी सेहत मराकज की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहल में है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान सूबा असम्बली से गुफ्तगू। और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में अहमद फरहाद की जमानत मंजूर। 2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अहमद फरहाद को आज रिहा कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।